हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेट जे आर एफ माइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस क्रैश कोर्स में हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड थियोरीज ठीक है तो लास्ट क्लास में हम देख चुके थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी क्लासिकल थियोरी एम पी फॉलेट चेस्टर बर्नार्ड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ठीक है और बिहेवियरल थ्योरी डिसीजन मेकिंग थ्योरी मोटिवेशन थ्योरी पीटर ड्यूकर का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ तक हमारी क्लासेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हो चुकी हैं ठीक है तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो क्लासेस हो चुकी हैं इन्हें भी आप ज़रूर देख लें ठीक है तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईकोलॉजिकल अप्रोच ठीक है आज की क्लास में हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच कवर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच देखिए देखिए फ्रेंड्स इकोलॉजिकल अप्रोच प्रोपाउंडेड बाय फ्रेड रिक्स ठीक है तो आपको ये नाम याद रखना है इकोलॉजिकल अप्रोच को किसने दिया है कौन थिंकर रिलेटेड हैं, फ्रेड रिक्स ठीक है फ्रेड रिक्स रिलेटेड हैं, यहां पर एक चीज और बता दूँ कि जो ये थिंकर्स के नाम लिख रहे हैं ना जे एम रोबर्टे ढाल रोबर्टे मार्टिन ठीक है ये थिंकर भी आपके इकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड हैं लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ना, जिसने उस थ्योरी को प्रोपाउंड किया होता है उसको हम हमें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है ठीक है तो लास्ट प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था कि इकोलॉजिकल अप्रोच किस से रिलेटेड है ठीक है तो ये फ्रेड रिग्स से रिलेटेड है ठीक है देखिए इकोलॉजिकल अप्रोच स्टडीज इंटरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ दे इंपैक्ट ईच अदर जो आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच है ये किस चीज़ की स्टडी करती है कि एनवायरमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या इंटरेक्शन है एनवायरमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं कैसे एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं ठीक है तो इकोलॉजिकल अप्रोच जो है इसी चीज़ की स्टडी करती है ठीक है देखिए रिक्स एनालिसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरली रिलाइज अपॉन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच फ्रेड रिक्स जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के आधार पर ही इसको एनालिसिस करते हैं ठीक है ये देखिए जो फ्रेड रिक्स हैं ये इनके मेजर वर्क्स हैं इनकी बुक्स हैं ठीक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि 1961 में पब्लिश हुई थी ठीक है ये फ्रेड रिक्स की बुक है द थ्योरी ऑफ प्रिस्मेटिक सोसाइटी 1964 में ये पब्लिश हुई थी ये भी फ्रेड रिक्स की ही बुक है ठीक है आप नोट्स ज़रूर बना लें देखिए फ्रेड रिक्स ही रेफर्स टू स्ट्रक्चर एज ए सोसाइटीज़ पैटर्न ऑफ एक्टिविटी तो जो फ्रेड रिक्स है ना वो तीन प्रकार की सोसाइटी का एनालिसिस करते हैं ठीक है जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं तो किस पैटर्न पर वो इस चीज़ का एनालिसिस करते हैं एक्टिविटी पैटर्न ऑफ एक्टिविटी ठीक है हर सोसाइटी में जो एक एक्टिविटी होती हैं कामकाज होते हैं उसी के आधार पर वो एनालिसिस करते हैं तो इस प्रकार वे तीन प्रकार की सोसाइटी को जो है डिफाइन करते हैं ठीक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कौन सी तीन प्रकार की सोसाइटी देखिए जो फ्रेड रिक्स है ना वो तीन मॉडल की बात करते हैं तीन प्रकार की सोसाइटी की बात करते हैं पहला है फ्यूज्ड मॉडल ठीक है फ्यूज्ड सोसाइटी दूसरी है प्रिसमेटिक मॉडल तीसरा है डिफ्रेक्टेड मॉडल मॉडल या फिर सोसाइटी आप बोल सकते हैं देखिए जो आपका फ्यूज सोसाइटी होगी ना जो फ्यूज्ड मॉडल है इस ये रिलेटेड है जो भी अंडर डेवलप सोसाइटी हैं ठीक है फ्यूज मॉडल जो भी अंडर डेवलप सोसाइटी हैं जहाँ पर विकास ज़्यादा नहीं हुआ है ठीक है या बोलिए कि बहुत ही कम हुआ है बिल्कुल नहीं हुआ है तो अंडर डेवलप है ठीक है प्रिस्मेटिक मॉडल जो है ये डेवलपिंग सोसाइटी से रिलेटेड है डेवलपिंग डेवलपिंग विकासशील जो होता है ना विकासशील इंडिया क्या है एक डेवलपिंग कंट्री है ठीक है तो डेवलपिंग सोसाइटी से ये रिलेटेड है प्रिस्मेटिक मॉडल तीसरा है आपका डिफ्रैक्टेड मॉडल डिफ्रैक्टेड मॉडल जो है आपका वो डेवलप सोसाइटी से रिलेटेड है ठीक है तो डेवलप सोसाइटी कहाँ की होगी अमेरिका की होगी है ना और डेवलपिंग सोसाइटी कहाँ की होगी इंडिया की होगी ओब्वियसली इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री है ना और यूएसए इज ए डेवलप कंट्री अमेरिका तो एक डेवलप कंट्री है ठीक है सब तो सबसे पहले हम जानते हैं इस फ्यूज्ड मॉडल के में. बारे में सॉरी बारे में ठीक है तो फ्यूज मॉडल में कौन है अंडर डेवलप सोसाइटीज हैं तो सबसे पहले फ्यूज मॉडल देखिए फ्यूज मॉडल तो आपको अगर इतना भी पता है ना कि अंडर डेवलप सोसाइटी क्या होगी डेवलपिंग सोसाइटी क्या होगी डेवलप सोसाइटी में क्या हो सकता है ठीक है इतना हम इमेजिन कर सकते हैं तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है ठीक है देखिए फ्यूज सोसाइटी ध्यान से देखना इसमें कौन आएगी जो अंडर डेवलप है जहाँ पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है ठीक है अंडर डेवलप सोसाइटी इसमें आएगी तो फ्यूज सोसाइटी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इन इम्पीरियल चाइना एंड प्री रेवोल्यूशनरी थाईलैंड तो बस आप इतना याद रखना जो फ्यूज सोसाइटी है ना इम्पीरियल चाइना अभी के चाइना की बात नहीं हो रही है यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा है सॉरी जुड़ा है इम्पीरियल ठीक है औपनिवेशिक चाइना जब था ये तब की बात है ठीक है तो और इसमें जो है चाइना और थाईलैंड का एग्जाम्पल लिया गया है ठीक है इन वर्ड पर आप ज़्यादा ध्यान देना प्री रेवोल्यूशनरी और इम्पीरियल ठीक है तो अभी की हम बात नहीं कर रहे हैं ये उस टाइम की बात है ठीक है तो जो फ्यूज्ड सोसाइटी है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस इन इंपीरियल चाइना एंड प्री रेवोल्यूशनरी थाईलैंड ठीक है तो इन दो कंट्रीज़ के यहाँ पर एग्जांपल लिए जाते हैं फ्यूज्ड सोसाइटी में ये मैंने नहीं लिया है ठीक है फ्रेड रिक्स हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेड रिक्स की बात कर रहे हैं है. उन्होंने ये इकोलॉजिकल अप्रोच दिया है ना ठीक है तो वही इन तीन सोसाइटी का एनालिसिस कर रहे हैं तो उन्होंने ही इनका एग्जाम्पल लिया था फ्यूज्ड सोसाइटी में ठीक है बस आप इतना याद रखना देखिए जो एक अंडर डेवलप सोसाइटी होगी उसका डिपेंडेंस वो किस पर होगा वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होगी ठीक है तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर विद नो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा ठीक है इंडस्ट्री वगैरह वहां होगी ही नहीं वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होगी जो अंडर डेवलप होगी ठीक है इन दीज सोसाइटीज ए सिंगल स्ट्रक्चर कैरीज आउट अ नंबर ऑफ फंक्शन तो ऐसी सोसाइटीज़ में एक ही जो सिंगल स्ट्रक्चर होगा वही सारे काम को करेगा ठीक है नंबर ऑफ फंक्शंस को वही काम करेगा ऐसा नहीं है कि हर काम के लिए एक अलग अलग बॉडी होगी जैसा कि डेवलप सोसाइटी में होता है ठीक है तो ए सिंगल स्ट्रक्चर कैरीज आउट ए नंबर ऑफ फंक्शंस एक ही जो स्ट्रक्चर होगा एक ही जो बॉडी होगी वो अधिकतर काम को यहाँ पर देख लेती है ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा यहाँ पर फ्यूज्ड सोसाइटी में बाल्टर सिस्टम यहाँ पर होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स बार्टर सिस्टम ये होता है वस्तु विनिमय प्रणाली देखिए जो बार्टर सिस्टम था ना वो पहले चलता था बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हमारे पास कोई वस्तु है ठीक है तो हम वस्तु के बदले में ही वस्तु जो है वहाँ पर ख़रीदी बेची जाती थी तब तक जो मनी होती है ना मुद्रा उसका जो है विकास नहीं हुआ था तो वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु ख़रीदते थे सपोज़ करिए मेरे पास गेहूँ है और मुझे क्या चाहिए आम चाहिए ठीक है तो मैं गेहूं के बदले में इस जो भी इस चीज़ को आम को बेच रहा होगा ठीक है मैं गेहूं दूंगी उसको वो मुझे आम दे देगा ठीक है तो जिसको गेहूं चाहिए वो मतलब इस तरीके से वस्तु के बदले में वस्तु ही चलती थी ठीक है ख़रीदी और बेची जाती थी बाल्टर सिस्टम में तो जो फ्यूज़्ड सोसाइटी होगी अंडर डेवलप सोसाइटी होगी वहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा बाल्टर सिस्टम होगा ठीक है देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड अदर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाई द किंग ऐसी सोसाइटी में जो एक्टिविटीज़ हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रशासन है वो कौन चलाएगा ओब्वियसली किंग चलाएगा है ना तो किंग चलाता है डोमिनेंस ऑफ ओल्ड कस्टम्स बिलीफ फेथ और ऐसी सोसाइटी में जो पुरानी परंपराएं हैं अंधविश्वास हैं विश्वास हैं ठीक है, है उन सब का डोमिनेंस रहेगा ठीक है वो ज़्यादा मिलेगी तो ये थी हमारी फ्यूज्ड सोसाइटी ठीक है तो फ्यूज सोसाइटी की क्या सब हमने विशेषताएं देखी कि यहाँ पर हमने इम्पीरियल चाइना और थाईलैंड का हमने एग्जाम्पल लिया ठीक है इसकी जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर पर होती है इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होता है बार्टर सिस्टम होता है ठीक है और बहुत ज़्यादा डेवलप सोसाइटी नहीं है ये अंडर डेवलप है ठीक है विकास ज़्यादा नहीं हुआ है तो दूसरा है हमारा डिफ्रैक्टेड सोसाइटी तो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में कौन आएगा डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में आएगी आपकी डेवलप सोसाइटी ठीक है तो यहां पर डेवलप सोसाइटी आएगी अमेरिका की सोसाइटी यहां पर आएगी तो रिक्स यूज अमेरिकन सोसाइटी एज ए मॉडल ऑफ डिफ्रेक्टेड सोसाइटी ठीक है इच स्ट्रक्चर कैरीज आउट ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन यहां पर हर एक कार्य के लिए एक स्पेशलाइज्ड ठीक है स्ट्रक्चर होता है हर काम के लिए अलग अलग बॉडी होती हैं ठीक है देखिए ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्स इन द सोसाइटी आर क्रिएटेड एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक रैशनल तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एक यहाँ पर जो है टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं ठीक है टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा होती हैं एक डेवलप सोसाइटी में तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर होते हैं ना वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं टेक्नोलॉजी पर साइंटिफिक रैशनल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं ठीक है, है? देखिए गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द नीड ऑफ़ पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो डेवलप सोसाइटी होगी वहाँ पर जो सरकार होगी वो क्या होगी वो मतलब रिस्पॉन्सिव होगी ठीक है जो सरकार होगी वो रिस्पॉन्सिव होगी किस चीज़ के लिए जो भी लोगों की नीड हैं और जो भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ठीक है तो ऐसी डेवलप सोसाइटी में जो सरकार होगी वो लोगों की ज़रूरतों के प्रति और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो क्या होगी रिस्पॉन्सिव होगी ठीक है उस चीज का ध्यान रखेगी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा यहाँ पर डेवलप सोसाइटी में बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई तो यहाँ पर तो डिमांड एंड सप्लाई पर आधारित ही इकोनॉमिक सिस्टम होगा ठीक है देखिए तो ये हो गई हमारी डिफ्रैक्टेड सोसाइटी जिसमें एक डेवलप सोसाइटी का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर इंडस्ट्री ज्यादा होंगी आप सोच सकते हैं ठीक है तो और क्या होगा यहाँ के जो मतलब टेक्नोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होगा यहाँ पर ठीक है इकोनॉमिक सिस्टम डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड होगा तीसरा था हमारा प्रिस्मेटिक सोसाइटी तो प्रिस्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है देखिए प्रिस्मेटिक सोसाइटी में अध्ययन किया जाता है एक डेवलपिंग सोसाइटी का ठीक है इंडिया की सोसाइटी क्या है एक डेवलपिंग सोसाइटी है तो एक विकासशील सोसाइटी का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है डेवलपिंग uh, का मतलब होता है कि ना तो यहाँ पर बहुत कम विकास है विकास हो रहा है ठीक है अभी विकास हो रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है देखिए जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी होगी ना एक विकासशील समाज होगा उसकी क्या सब विशेषताएं होंगी तो ये हैट्रोजेनेटी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर भी आया था ठीक है कि ये किसकी विशेषता है देखिए हैट्रोजेनेटी का मतलब होता है विविधता ठीक है विषम जातीयता हैट्रोजेनेटी का मतलब विविधता विषम जातीयता तो आपको पता है कि जैसे कि इंडिया की जो डेवलपिंग सोसाइटी है हमारे देश में कितनी ज़्यादा विविधता है ठीक है तो प्रिस्मेटिक सोसाइटी की एक विशेषता क्या हो गई हैटी विविधता विषम जातीयता दूसरा है फॉर्मलिज्म तीसरा है फंक्शनल ओवरलैपिंग ठीक है तो आप याद रखना जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी है उसकी ये तीन विशेषताएं हैं हाइट्रोजेनेटी विविधता होगी फॉर्मलिज्म होगा फंक्शनल ओवरलैपिंग होगी ठीक है, है मतलब एक एक काम जो है एक ओवरलैप करेंगे ठीक है जो काम करते हैं ना संस्थाएं सबके काम ओवरलैप करते हैं कोई किसका कर देता है ठीक है तो प्रिस्मेटिक जो सोसाइटी है यहाँ पर आप इन टर्मिनोलॉजी को देखिए यहाँ पर एक टर्म हम देख लेते हैं ये सलाह मॉडल क्या है ठीक है सलाह मॉडल जो है फ्रेंड्स जो प्रिस्मेटिक सोसाइटी होती है ना जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है प्रिस्मेटिक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए ये सलाह मॉडल वर्ड यूज़ किया जाता है ठीक है देखिए एक और है यहाँ पर बाजार कैंटीन मॉडल तो जो बाजार कैंटीन मॉडल है ना ये भी प्रिस्मेटिक सोसाइटी की आर्थिक व्यवस्था को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है तो ये थी आपकी इकोलॉजिकल अप्रोच जो कि हमने देख लिया तो इकोलॉजिकल अप्रोच का एक बार रिवीजन कर लेते हैं देखिए इकोलॉजिकल अप्रोच किसने दिया था फ्रेड रिक्स ने दिया था ठीक है फ्रेड रिक्स ने तीन प्रकार की सोसाइटी का यहाँ पर एनालिसिस किया है पहली सोसाइटी क्या थी आ, पहली सोसाइटी थी आपकी एक मिनट हाँ फ्यूज सोसाइटी ठीक है जहाँ पर अंडर डेवलप सोसाइटी आ रही थी दूसरी थी आपकी प्रिस्मेटिक सोसाइटी प्रिस्मेटिक में कौन आता है जो भी डेवलपिंग सोसाइटी हैं विकासशील हैं डिफ्रेक्टेड सोसाइटी में कौन आएगा जो डेवलप सोसाइटी हैं ठीक है लाइक अमेरिका like की सोसाइटी यहाँ पर आएगी तो ये थी हमारा इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेंड्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं ठीक है जो बहुत जल्द ही कवर हो जाएंगे तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है ताकि हमारे जो आगे आने वाले क्रैश कोर्स हैं क्लासेस हैं वो आपको मिल सके ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू